हमारे भजिए तैयार हो गए हैं, तो अभी कढ़ी बन रही है, तो भजिए और साथ में कढ़ी खाएंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। काफ़ी दिनों से क्या बाहर था, माउंट आबू गया हुआ था, इसीलिए क्या खेतों में नहीं आ पाया था, वो आज आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद खेतों में। तो अभी मैं देखिए आप पीछे देख रहे हैं, अभी मैं खड़ा हूँ, जो हमने दिवेला का ट्रांसप्लांटिंग किया था वो वाले खेत में खड़ा हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि भाई ट्रांसप्लांटिंग सक्सेस होती है या नहीं। पीछे वाला जो आपको बड़े बड़े दिवेला दिख रहे हैं, वो हमने बीज उगाए थे, ठीक है। यहाँ से देखिए पीछे, ये वाला एरिया है ट्रांसप्लांटिंग का एरिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ट्रांसप्लांटिंग वाले हमारे दिवेला कैसे हैं। जो हमने ट्रांसप्लांटिंग किया था उसमें से एक भी प्लांट गया नहीं है, तो चलो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो प्लांट है, ये ट्रांसप्लांटिंग किया हुआ है, देखिए तो उसका ग्रो भी हो रहा है। देखिए नए 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 पत्ते भी आ रहे हैं इसमें। देखिए ये सभी प्लांट ट्रांसप्लांटिंग के ही है। देखिए ये भी ट्रांसप्लांटिंग किया हुआ है। देखिए तो हमारा ट्रांसप्लांटिंग का जो आइडिया था वो सक्सेसफुल है। देखिए देखिए इसमें नए नए लीफ लगने शुरू हो गए। देखिए ये सारे नए लीफ ही हैं, तो ट्रांसप्लांटिंग हमारी सक्सेसफुल है। देखिए ये पूरा एरिया यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा एरिया ट्रांसप्लांटिंग का है। तो सभी हमारे जो प्लांट थे वो चिपक गए हैं पूरी तरह से, तो ट्रांसप्लांटिंग है सक्सेसफुल। चलो तो ट्रांसप्लांटिंग तो आपको दिखा दिया, लेकिन जो मैंने तुरुआ उगाए थे दो दिवेला के प्लांट के बीच में, वो आपको दिखा था, वो भी अभी बाहर निकल आए हैं। तो जो हमने दिवेला की लाइन के बीच में जो 5-5 फुट का अंतर था, उसके बीच में हमने दो दो बीज उगा दी बीच में। तो चलो आपको दिखाता हूँ, ये दिवेला का प्लांट है और एक ये दिवेला का प्लांट है। तो इसके बीच में देखिए एक ये प्लांट है और एक ये है। तो हमने एक और दो दो दिवेला के बीच में दो प्लांट उगाए हैं। तो ये देखिए ये कह रहा है, देखिए बाहर निकल आया है पूरी तरह से, ये तुरा है तुरा। तो चलो भाई ये भी निकल आया है, ये भी निकल आया है। तो हमारा जो ये इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग, अंतरपाक कहते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग की हमारी अभी तक तो सक्सेसफुल है। देखिए पूरा प्लांट निकल आया है, और एक ये खेत और एक आपको जो पीछे जो वो वाला खेत आपको दिख रहा है, तो ये दोनों खेत हमने विंटर सीजन में खाली रखे हैं, क्योंकि उसमें हमको समर सीजन में और दिसंबर के एंडिंग में हमको तरबूज उगाना है। तो इसके लिए दो खेत हमने खाली रखे हैं। यहाँ पे लहसुन की खेती हो रही है, ये है लहसुन। देखिए लहसुन को चोपना पड़ता है यार। देखिए अभी टोमेटो का फील्ड में अभी क्या थोड़ा खाद डाला जा रहा है। मैं खड़ा हूँ बैंगन के फार्म में, तो अभी क्या मैंने देखा थोड़ा घूम के कि भाई बैंगन पिक करने के लिए रेडी है, तो बैंगन पिक कर रहे हैं। देखिए दो बच्चे हैं, एक टब भर गया है बैंगन का, तो इसको वहाँ पे फार्म हाउस पे रख के आते हैं। ये इसमें डाल दो, टब तो खाली कर दिया था, तो अभी देखिए दूसरा टब भी भर के ले आया हूँ, तो इसको भी खाली कर देते हैं। चलो भाई इतना अभी अभी तो निकलेगा, अभी देखिए अभी इतना सारा माल निकल गया, अभी भी निकलेगा। 7 किलो का ऑर्डर मिला है, तो वो फटाफट ये पैक कर लेते हैं, तो भी बाद में जो बचेगा उसका भी ऑर्डर लाना है, और आज का आज ही इसका सेलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो फटाफट से पैकिंग करते हैं। तो 7 किलो बैंगन और 2 किलो टमाटर का पैकेजिंग हो गया है, तो अभी प्रवीण काका होम डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं। प्रवीण काका अभी जा रहे हैं होम डिलीवरी देने के लिए, मैं जाता हूँ बैंगन लेने के लिए, जो तोड़े हुए ही पड़े हैं, बच्चों ने तोड़े थे, लास्ट में बस इतने ही बचे थे, तो अभी इतने ले लेते हैं। और अभी दोपहर का वक्त हो गया है, ये रख के फटाफट से जाते हैं खाने के लिए। इनके ऊपर कपड़ा ढंग दिया है, तो अभी यहाँ से मैं निकलता हूँ डायरेक्ट घर जाने के लिए। तो चलो गाइस अभी दोपहर का वक्त हुआ है 3, तो अभी फिर से चला हूँ फार्म हाउस पे। हमारे साथ दो मेहमान भी हैं, हमारे साथ मेरे दो भाई के लड़के हैं, सारे लोग चले हैं अभी फार्म हाउस पे उनको विजिट करवाने के लिए। हमारी फार्म हाउस की फार्म हाउस पे आ गए हैं।
देखिए अभी फार्म हाउस पे आ गए हैं, ड्यूएल आके फार्म में हम बैठे हैं। तो ये दोनों मेरे फोई के लड़के हैं और वो बेटा मनीष है, वो जो मेरा छोटा भाई है। कौन सी कक्षा में है आप? सेवन्थ। चलो अभी फिर से फार्म हाउस पे आ गया हूँ। तो अभी फिर से सब्जी का ऑर्डर मिला था, तो पैकेजिंग वगैरह करते हैं और डिलीवरी दे। चलो अभी मनीष वेट कर रहे हैं, मनीष भी और नीतीश भी दोनों, कमलेश भी इधर बैठे हैं। तो टोमेटो पैक हो गए हैं, तो अभी बैंगन पैक करते हैं। फार्म हाउस से घर आ गए हैं, तो अभी हमारा प्लानिंग है कि क्या आज अभी हमारे घर पे मेहमान आए हैं, तो इसलिए क्या आज भजिया बनाना है। तो मनीष सामान लेने के लिए गया बाजार में, तो वो सामान लेके आएगा, तब तक के लिए अभी हम तैयारी करते हैं। भजिया अच्छे लगते हैं? ठीक है, तो चलो भाई फटाफट से बनाते हैं भजिया। मनीष सामान लेके आ गया है, देखिए। अभी हमारा लोट हो गया रेडी, तभी इससे बनाते हैं हमारे भजिए। तेल को गैस पे चढ़ा दिया है और इसको गर्म होने देते हैं, ठीक है, फिर बाद में इसमें डालते हैं। अभी हमारा सामान रेडी है। हमारे भजिए तैयार हो गए हैं, तो अभी कढ़ी बन रही है, तो भजिए और साथ में कढ़ी खाएंगे।